तुहे सिपत म नहीं होवत है कचरा के उठाव। एनटीपीसी स्वच्छता ल लेके पीटा थे ढोल। ग्रामीण मन के कहना है ये केवल एनटीपीसी के दिखावा है। दिखाओ सिपत ले हिमांशु गुप्ता की रिपोर्ट। एनटीपीसी द्वारा बनाए गए नवाडी चौक में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम ला स्वच्छ और सुंदर बनाए के उद्देश्य ले गीला और सूखा कचरा फेंके पर अलग अलग डस्टबिन बनवाए गए हैं। फिर जब कूड़ादान कचरा ले भर जाते तो ओला फेंके पर कोई ध्यान नहीं दे जाते। आसपास के रहैया ग्रामीण और दुकान संचालक मन बताइन के केवल खाना पूर्ति करे बर कभी कभार आके कचरा ला ऊपर ले जाते, कभू भी पूरा तरह से सफाई नहीं करवाए जाए। एकर ले ये साबित होते कि एनटीपीसी स्वच्छता और सफाई के नाम में केवल ढोल पीटा थे। एनटीपीसी द्वारा बनाया गया गीला कचरा सूखा कचरा का जो वो रखा गया है वो सिर्फ दिखावा है। वहाँ आए दिन कचरा बगरा रहता है और थोड़ा सा ऊपर का कचरा पन्नी वन्नी ले जाता है, बाकी सारा कचरा वहीं के वहीं है। और इसमें सामने में होटल है, आए दिन हम लोग परेशानी को उठाना पड़ता है, जिसमें हैजा फैलने का भी डर है, बदबू भी बहुत आता है। एनटीपीसी कितने महीने में इसकी सफाई करती है? अरे उनका जब मन पड़ता है तब करता है, जब मन नहीं पड़ता नहीं करता भाई। डस्टबिन बनवाए के बाद भरे कचरा ला सफाई नहीं करवाए ले कचरा सड़क में फैल गए हैं, जेकर ले संक्रमित बीमारी होए के भी डर बने रही थे। नवाडी चौक बलौदा ले बिलासपुर के मुख्य मार्ग ओकर ले कुछ दूरी में ही यात्री मन बस के इंतजार करते। ठीक तरह से सफाई नहीं होए के कारण बदबू भी उमले आए लगे है, बरसात हो ले मच्छर भी पनपे लग जाते। ये बारे में एनटीपीसी प्रबंधन के एके बोखर ले जब हमार रिपोर्टर है बात करीस तो वो है बताइस के ये संबंध में ओला कोई जानकारी नहीं है। सिपतले डिजिटल रिपोर्टर हिमांशु गुप्ता के रिपोर्ट।